गुड मॉर्निंग क्लास थर्ड, हाउ यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन। सो क्लास, दिस इज योर हिंदी पीरियड। टेक आउट योर हिंदी लैंग्वेज बुक। सो क्लास, टुडे वी विल डू सम रिवीजन इन आर हिंदी लैंग्वेज बिकॉज टुमारो इज योर हिंदी लैंग्वेज यूनिट टेस्ट। ओके, कल आपका हिंदी लैंग्वेज का क्या है? यूनिट टेस्ट होगा। तो आज हम क्या करेंगे? हिंदी लैंग्वेज में रिवीजन करेंगे। सो ओपन योर बुक एंड कम टू पेज नंबर 53। ओके, सो टॉपिक फॉर योर यूनिट टेस्ट इन हिंदी लैंग्वेज इज मुहावरे। आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि हमारा हिंदी लैंग्वेज में क्या आएगा, सिर्फ मुहावरे आएंगे। सो टुडे वील रिवाइज इट अगेन। सो फर्स्ट मुहावरा जो हमने पढ़ा था वो क्या था? अंगूठा दिखाना, मतलब साफ इनकार कर देना। किसी भी चीज़ के लिए हमें साफ मना करना, उसको हम क्या बोलेंगे? कि अंगूठा दिखाना। आँख लगना, नेक्स्ट जो हमने पढ़ा था। वैसे हमने अपनी बैक एक्सरसाइज में ये वाला मुहावरा भी पढ़ा है ना, अंधे की लाठी होना, मतलब बुढ़ापे का एक मात्र सहारा। नेक्स्ट हमने पढ़ा है आँख लगना, मतलब नींद आना या सो जाना। जैसे आप इससे क्या वाक्य बना सकते हो कि अचानक मेरी आंख लग गई, मतलब मैं अचानक से सो गया। नेक्स्ट इज आंख का तारा होना, मतलब बहुत प्यारा। जैसे आपको कोई भी चीज़ बहुत प्यारी लगती हो तो आप क्या बोल सकते हो? वह मेरी आंख का तारा है। नेक्स्ट आग बबूला होना, मतलब बहुत गुस्सा होना। जब आपको कभी बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है तो आप किस मुहावरे का यूज़ कर सकते हो? आग बबूला होना। नेक्स्ट आसमान सिर पर उठाना, मतलब बहुत शोर करना। जैसे आप कभी घूमने जाते हो या फिर कभी क्लास में भी आप क्या करते हो? बहुत ज़्यादा शोर मचाते हो। तब कौन सा मुहावरा यूज़ कर सकते हैं? आसमान सिर पर उठाना। नेक्स्ट ईद का चांद होना, मतलब बहुत कम दिखाई देना। ओके, जब कोई चीज़ बहुत कम दिखाई देती है, ठीक है, जैसे सपोज़ कीजिए आजकल क्या चल रही है, बहुत बारिश हो रही है ना, तो हम क्या बोल सकते हैं कि आजकल सूरज क्या हो गया है? ईद का चांद हो गया है, मतलब कि बहुत कम दिखाई दे रहा है, बारिश ही हो रही है रोज़। नेक्स्ट उल्लू बनाना, मतलब मूर्ख बनाना, किसी का बेवकूफ़ बनाना। ओके, नेक्स्ट कान पर जूना रेंगना, मतलब कोई असर ना होना। जैसे कि मम्मी के मना करने के बाद भी मैं खेलने गया, मेरे कान पर जू नहीं रेंगी, मतलब कि मुझे कोई असर नहीं हुआ, मैं तब भी खेलने गया। ओके, नेक्स्ट हमने करा था 9-2-11 होना, मतलब भाग जाना। इससे आप क्या वाक्य बना सकते हो? कि मैंने शेर को देखा और मैं 9-2-11 हो गया, मतलब वहाँ से भाग गया। नेक्स्ट पीठ थपथपाना, मतलब शाबाशी देना। जब आपके अच्छे मार्क्स आते हैं तो मैम आपको क्या देती हैं? शाबाशी देती हैं। तो आप क्या बोल सकते हो? कि अच्छे अंक आने पर सब हमारी पीठ थपथपाते हैं। ओके, नेक्स्ट मुंह में पानी आना, मतलब जी ललचाना। जैसे क्या बोल सकते हो आप? कि अच्छा खाना देखकर मेरे मुंह में पानी आ गया। नेक्स्ट होश उड़ना, मतलब बहुत डर जाना। ओके, तो बहुत डर जाने से भी आप क्या बना सकते हो? वाक्य इजीली बना सकते हो। सो आपको क्या करना है, ये सभी मुहावरे और इनके अर्थ अच्छे से, यू हैव टू लर्न ऑल द मीनिंग्स, ठीक है, फॉर योर यूनिट टेस्ट। और इस पे बेस्ड हमने जो भी एक्सरसाइज अपनी बुक में करी थी या नोटबुक में करी है, वो सभी आपको क्या करनी है? प्रिपेयर करनी है फॉर टुमारो। ओके ओके क्लास, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। Bye-bye, take care.